सो दिस इज ऑल, वो लोग बोलते हैं कि अपूर्व आप ऐसे कैसे रेमंड का कपड़ा, मैंने आपको दिखाया था प्योर वूल का कपड़ा, उसी कपड़े की जैकेट बना रखी है. सूट्स, दीज आर द स्टिचिंग फॉर सूट्स, दिस इज हाउ अ सूट लुक्स लाइक. देखना चाहेंगे ये सारा ट्वीट आता है. थिक वूल रहेगा, हेवी वूल होता है, कहते हैं ना कि लग्जरी प्रोडक्ट एब्सोल्युटली सर, प्रीमियम जिसे कह सकते हैं. एंड प्राइस रेंज समझिए आप, इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप समझिए 70% ऑफ चले जाता है. रिटेल है सुपर 70s प्योर मरीनो वूल ब्लेंडेड फैब्रिक. दिस इज व्हाट ऑल वूल इज. दिस इज अ प्रिंट. ठीक है. एंड ये मैं सब कुछ आपको अगेन, ये कभी कोई सोच रहा हो कि अपूर्व कुछ भी दिखा रहा होगा, ये अगेन रेमंड्स है. रेमंड ये आता है रेमंड का 100% लिनन. ये जी 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 प्योर लग्जूरियस कॉटन विथ स्ट्रेच, 100% कॉटन. इनफैक्ट मैं आपको स्टार्टिंग रेंज भी दिखाऊंगा अपनी वूल की, जो रेमंड का आज आप इसका फैब्रिक का जो फॉल है, जो इसका जो फिनिश है. अगेन व्हाई टू टेक रेमंड्स इन टियर, लोकल क्यों नहीं लेना चाहिए सर? क्रीज तो सर, जैसे कि हमारे कस्टमर्स की डिमांड थी कि सर कुछ ऐसी चीजें प्रोडक्ट्स हों जो आगे रीसेलिंग में भी मजा है, पर्सनल यूज के लिए ले सके, और सबसे बड़ी बात कि ब्रांडेड होना चाहिए. right. तो आज हमने बहुत सर्च करा इस मार्केट को भी, देखा कि कौन एक ट्रस्टेड सेलर है जहाँ पे हम जाएं अपने व्यूअर्स को दिखाएं, क्योंकि सबसे बड़े बात है ट्रस्ट फैक्टर. दूसरा, ओरिजिनलिटी प्रोडक्ट बेसिकली मिलना चाहिए. बिल्कुल. तो रेमंड का मैं समझता हूँ आपसे बेटर मुझे यहाँ पे चीज नहीं नजर आई, तो सर रेमंड के बारे में आप कैसे बताना चाहें, किस किस तरह से डील करती है फर्म, कैसे डील करती है आपकी? बिल्कुल सर. तो पहले तो हम बताना चाहेंगे, मेरे डैड है रावेश अग्रवाल, मेरा नाम अपूर्व अग्रवाल. हाँ जी. कुछ पहले मैं ऑलरेडी एक दो वीडियोस बना चुका हूँ और लोगों से बहुत एक बहुत ज्यादा प्यार मिला है, लोगों से बहुत ज्यादा एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हुआ हमारा. हम सर रेमंड्स, आपने जैसे बोला कि हम खाली रेमंड्स बेचते हैं इस पूरी मार्केट में, अब जितने भी रेमंड्स के जो बोलते हैं हम ऑथराइज हैं, वो सब कुछ मल्टी ब्रांड स्टोर है. हाँ जी. उनको सब कुछ मिलेगा आपको उनके यहाँ पे. मेरे यहाँ पे खाली एक फंडे से आएंगे कि हमें रेमंड लेना है तो मेरे यहाँ पे आना है. फ्रॉम सिंस 1985 हम रेमंड्स के डीलर हैं. कईयों को लगता है कि वो डीलर है, ऐसा नहीं है. हम रेमंड्स के बहुत पुराने डीलर हैं और शायद फिफ्थ या सिक्स्थ जनरेशन है जो हम, मैं कपड़े का ही काम कर रहा हूँ. फिफ्थ जनरेशन हम कपड़े का काम कर रहे हैं. मेरे डैड, मेरे डैड के डैड, उनके डैड, चार जनरेशन की फोटोज यहाँ पे देख रहे हैं जो लगी हुई है. तो ये उस लेवल, ये मेरे परदादा, उनके उनके पिताजी, मतलब पर परदादा. तो डैड भी हम बहुत पुराना जनरेशनल शॉप है. हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं 1950 बता रहा हूँ, हो सकता है डाट बेटर बता पाए. रिपन से दुकान है हमारी, 1985 से हम लोग रेमंड का काम इस दुकान पे कर रहे हैं. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो फ्रॉम 53 हमारी दुकान है, और फ्रॉम 80 ऑब्वियसली मैं, मेरे को 83 का पता नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था, कुछ दो चार साल बाद ही हुआ उसके. बट हाँ, इतना पुराना एक लेगेसी है हमारे पास. रेमंड जैसे आपने बोला कि एक ऑब्वियसली इस मिल के अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर है जी. इस मिल में एक ओरिजिनलिटी है, इस मिल के अंदर एक ऑथेंटिसिटी है कि ये कपड़ा खराब नहीं होता. मेरे से कई लोग आके पूछते हैं सपूर ओरिजिनल और डुप्लीकेट में कैसे फर्क पड़ा करेंगे. हाँ जी, हाँ जी. क्योंकि रिटेल वाले जो बाहर बैठे हैं वो बोलते हैं तो चार्जर में डुप्लीकेट मिलता है सब कुछ. आप कुछ मत करिए, आप खाली एक पैंट शर्ट मेरे से ले लीजिए, आप वो कपड़े का खुद फील एंड टेक्सचर बता दे. अगर आपने रेमंड लिया है तो मेरा कपड़ा वैसे आपको बता देगा, बट कई जनों को स्पेकुलेशन रहता है, कोई डाउट रहता है कि रेमंड ओरिजिनल है या नहीं है. आप एक पैंट शर्ट लीजिए, रिटेल शोरूम पे आके दिखाइए, अगर वो बोल दें कि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, मैं डबल द अमाउंट आपको देने लिए तैयार हूँ, ट्रिपल द अमाउंट देने लिए तैयार हूँ. अगर कोई मेरे को प्रूफ कर दे कि हम एक प्रोडक्ट भी पूरी दुकान में एक प्रोडक्ट भी फेक या नकली है. तो रेमंड के लिए आना है तो हमारी शॉप पे आना है, बनवालाल देवी प्रसाद. गूगल पे हम अच्छी तरह से आपको मिल जाएंगे, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं हमें. तो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाना. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आइए. सर जब विंटर्स चल रही है, हाँ जी, शादी को भी सीजन है, हाँ जी, हाँ जी, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या आप चाहेंगे कि कस्टमर्स को चीजें चाहिए और वो चीजें ले सकते हैं? एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा और मैं काफी अच्छा, आप मानोगे हमारी शॉप की एक लेगेसी एंड एक्सपर्टीज भी रही है उसके अंदर जी. जैसे मैंने अभी ट्वीट पहन रखा है. हाँ जी. तो मुझे पर्सनली एक बहुत पसंद है ये फैब्रिक. ट्वीट का मतलब जो होता है, या ट्वीट जो लोग पहनते हैं, उनको थोड़ा क्लियर कर दूं मैं व्यूअर्स को. जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वूल का, जो फर्स्ट थ्रेड निकलता है, थोड़ा हेवी थ्रेड होता है, मोटा वूल होता है, कॉम्बिंग नहीं हुई जिसमें, उसको हम ट्वीट बोलते हैं. ठीक है. हेवी वूल है, आप यूजुअली ट्राउजर्स नहीं बना सकते, खाली ब्लेजर्स और जैकेट्स के काम आता है. ठीक है. पुराने लोग कई चाहते थे कि उनके अंदर ट्राउजर भी बना ले, बट उसकी फॉल बहुत अच्छी नहीं बैठेगी बिकॉज द फैब्रिक इज वेरी हेवी इन वेट. तो अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम 150 ग्राम का वन ट्राउजर वेट
उसका नहीं रहता, उसका 300 ग्राम्स के अराउंड चला जाता है, तो थिक हो जाता है फैब्रिक। तो मैं कुछ चीज आपको ट्वीट में दिखाना चाहूंगा। आप ये पूरी कलेक्शन वैसे ट्वीट की है, अगर आप देखेंगे मल्टीपल ऑप्शंस है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ ओनली रेमंड स्टोर है, तो खाली रेमंड का ट्वीट मिलेगा हमारे यहाँ पे, एंड देयर आर सम ब्यूटीफुल डिजाइन्स। सो अगर आप देखना चाहेंगे ये सारा ट्वीट आता है, थिक वूल रहेगा, हैवी वूल होता है, आपको पहनने में मजा आता है। ब्लेजर्स के लिए क्रीज एंड जैकेट्स के लिए क्रीज फैबुलस है इसकी, आप पैटर्न्स देखिए इसके अंदर, दे आर ब्यूटीफुल पैटर्न्स, एंड यूजुअली 2 मीटर कट के अंदर आते हैं, मेरे पास बहुत थान भी आते हैं इसके। वॉच दिस, अब आप एक बार बताइए आप कैरी करिए इसको, कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ट्राउजर के साथ, जीन्स के साथ, ग्रे, ब्लू, ब्लैक, एनी ट्राउजर। ट्वीट का फंडामेंटल भी बहुत क्लियर है कि आप इसको कैजुअली हर चीज के साथ पहन सकते हैं, कलर्स, सम मॉडर्न कलर्स, नाउ मस्टर्ड कलर इन प्लेन्स। तो ब्यूटीफुल चीजें आती हैं ट्वीट के अंदर, थिक वूल्स हैं इसके अंदर, चेक्स आएंगे, प्लेन्स आएंगे, एंड इनफैक्ट लाइनिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरा हॉट फेवरेट रहता है ये प्योर न्यू वूल जैकेटिंग प्राइमा मोडा ट्वीट। ₹2,500 में आपको रेमंड्स का ओरिजिनल ट्वीट के ब्लेजर्स मिल जाएंगे, एंड यू सी ऑल द वैरायटी। चेक्स चाहिए, प्लेन चाहिए, इसको हम हैरिंग बोन बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजाइन इन ट्वीट, ये हैरिंग बोन होता है, इसको हम हुंस्टुद बोलते हैं, ये हुंस्टुद पैटर्न है। तो ये सारी वीव्स हैं कपड़े की अलग अलग टाइप की, जैसे मैं पहले भी कुछ वीडियो में बता चुका हूँ, आई वुड लव टू गाइड यू ऑन द वीव्स, क्या वीव्स होती हैं कपड़े में, क्या वेफ्ट होता है कपड़े में, क्या चेक के पैटर्न्स होते हैं। तो ये सब चीजें ट्वीट के अंदर आती हैं, ये सारी वैरायटी। व्हाइट के अंदर कुछ चेक्स, बोल्ड चेक्स, देन यू हैव दिस फाइन ट्वीट के अंदर, एंड ये सारी वैरायटी चलती है। जितने भी आप सुपर काउंट्स पढ़ते हैं, मेड बी सुपर 70, 90, 100, 110 एंड व्हाटएवर, सुपर काउंट का मतलब है वूल का, धागे का काउंट। कभी भी पॉलिएस्टर एंड विस्कोस का कोई काउंट नहीं होता, उन दोनों धागों में कोई मतलब नहीं है काउंट का, क्योंकि पॉलिएस्टर एक प्लास्टिक का ओरिएंटेड चीज है, तो उसमें कोई थ्रेड काउंट नहीं है। सिमिलरली आप विस्कोस में भी नहीं करेंगे, विस्कोस इज ह्यूमन मेड नेचुरल फाइबर। कॉटन के धागे होते हैं, वूल के धागे होते हैं, लिनन के धागे होते हैं, इनमें थ्रेड काउंट्स आते हैं। तो आप, मेरे को कई व्यूअर्स आते हैं या कई लोग मेरे से पूछते हैं कि पॉलीविस्कोस में क्या थ्रेड काउंट है, कोई थ्रेड काउंट्स का डेफिनेशन नहीं है पॉलीविस्कोस का। सीजन है एंड वैरायटी इज फैबुलस। सो ये आता है हमारा टेक्नो स्मार्ट, काफी पॉपुलर रेंज है रेमंड की, कई लोग पूछते हैं। टेक्नो स्मार्ट स्टार्ट फ्रॉम 957 पर मीटर, 957 पर मीटर में टेक्नो स्मार्ट दे देता हूँ मैं। 70 काउंट्स अगेन वेरी पॉपुलर। इंडियन वेदर में रेगुलर ट्राउजर्स के लिए 90 टू 120 काउंट इज वेरी सुपीरियर प्रोडक्ट। 70, 90 से लेके 120 थ्रेड काउंट्स, अगर आप ये देखेंगे तो इस पे से मेंशन होता है सुपर 70s प्योर मरीनो वूल ब्लेंडेड फैब्रिक। ठीक है, 45% वूल ब्लेंड रहता है, फाइन रहता है। मैं आपके थ्रू व्यूअर्स को बताना चाहूँ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वेयरिंग अ वूल ट्राउजर। वूल ट्राउजर की क्रीज हमेशा बेटर स्टैंड करेगी। आप जब पॉलीविस्कोस पहनते हैं, जब आप टेरी वूल पहनते हैं, टेरी वूल की पैंट की क्रीज बहुत स्मार्ट खड़ी होती है। सो व्हेन यू सी ऑल द इटालियन शो, जितने भी आप यूके शोज देखते हैं, और उसमें देखते हैं आपकी एकदम पैंट की स्ट्रेट क्रीज खड़ी हुई है, वो बिकॉज ऑफ वूल फंडा है। तो वूल आप थ्रू आउट द ईयर पहन सकते हैं। इनमें आपने देखा कि ये बहुत फाइन लाइट वेट है, अगर आपने भी टच किया जैसे, एंड इसके कलर डिजाइन टू बोल्ड स्मार्ट डिजाइन है, कलर्स हैं, you will see beautiful colors and beautiful designs in this. मतलब जो है high end fabrics होते हैं, premium generally आप luxury end पे चीजें देखते हैं। Sir, retail के अंदर approximately ये qualities 2500-2600 रुपए मीटर बिकती हैं। 1248 मेरा price है super 70s का। Super 70 जो भी आप threads देंगे मेरे से, जितनी भी threads देंगे super 70 counts में, 1248 per meter में दे दूँ। The next range now, again मेरा काफी popular pattern है आजकल तो वैसे bar stripes. एंड दिस इज वॉट सुपर 90 काउंट है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि खाली रेमंड मिलेगा तो सुपर 90 काउंट्स। दिस इज अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ 90s। इसके अंदर आपको मैं अप्लॉज कलेक्शन, लाइट शेड्स, डार्क शेड्स,
जैसे भी व्यूअर्स को जो भी पसंद आए, दिस इज द फ्लॉस कलेक्शन, होल्ड द फैब्रिक, वेट पकड़िए आप कपड़े का, मतलब एक स्मूथनेस है सर, एक फील है जिसे कहते हैं कि जो हाई एंड। कई लोग आके बोलते हैं कि इटालियन कपड़े में वो सुपर काउंट्स आते हैं, तो मतलब आप बड़ा सिंपल सा, मैं यही पूछने वाला था सर, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं समझता हूँ रेमंड एक ब्रांड है, एब्सोल्युटली, उसके बाद कुछ नए नए फर्म होती है इटालियन के नाम पे बिकती है, हाँ जी, हाँ और जी, उसको हाँ और महंगा करके बेचा जाता है, हाँ जी, अलग बताया बेचा जाता है, हाँ जी, तो उसके बारे में मैं समझता हूँ आप ज्यादा बेटर बता सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करेंगे आज हम दोनों इस चैनल पे कैलकुलेशन करेंगे। जब लोग बोलते हैं इटालियन फैब्रिक 800 रुपए मीटर, 900 रुपए मीटर, 1000 रुपए मीटर बेच देते हैं, तो मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि आपको ये तो पता है कि अगर आप इटली से इंपोर्ट करवाएंगे तो 2 times एक्साइज लगती है, 100% तो 500 रुपए मीटर का कपड़ा रह गया इटली के अंदर, 500 रुपए मीटर का कपड़ा 5 यूरो है, 5 यूरो में वहां पे एक पानी की बोतल नहीं मिलती, वहां पे आपको 1 मीटर कपड़ा कैसे मिल जाएगा? बिल्कुल तो सर बड़ा सिंपल है, व्यूअर्स को बहुत क्लियर बताता हूँ, आप सबको पता है कि आप क्या कपड़ा लेते हैं, रेमंड ने 100 साल लगाए इस ब्रांड को क्रिएट करने में, एंड आज वो ब्रांड पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर ब्रांड है। इटालियन अगर आपको ब्रांड लेना है, मैं ऐसा नहीं बोलता इटालियन ब्रांड नहीं आते, बट उसको आप 10,000 रुपए मीटर से नीचे इटालियन ब्रांड मत सोचो कि कोई इटालियन आता है। बिल्कुल, स्टैबल, डॉर्मिल, जीनिया, लोरिपियानो, देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स, देयर आर सम 8-10 ब्रांड्स इन इंडिया विच आर जेन्युइन इटालियन ब्रांड्स, दे विल बी 100% वूल। इटली में कोई भी ब्लेंडेड फैब्रिक नहीं बनता जी, प्योर कॉटन पहनेंगे, प्योर वूल पहनेंगे या प्योर लिनन पहनेंगे, वहां पे पॉलिएस्टर का धागे का ही मतलब ही नहीं है, यूज ही नहीं है, तो वहां पे जितने भी आप वूल लेते हैं, जितने भी आप प्रोडक्ट लेते हैं इटालियन फैब्रिक्स में, वो 100% वूल के फैब्रिक्स होंगे, चाहे वो लोरोपियानो हो, चाहे वो स्कैबल हो, चाहे वो डॉर्मेल हो, चाहे वो जीनिया हो, चाहे वो वीबीसी हो, कोई भी, एंड 10,000 रुपीज मीटर के अराउंड, विच मेक सेंस ऑल्सो, आप समझो कि 10,000 रुपए मीटर कपड़ा बिकेगा क्योंकि 5,000 रुपए तो उसकी लैंडिंग कॉस्ट है अगर वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो कपड़े ओरिजिनल इटालियन हैं। आप इन 800 रुपए मीटर में, 700 रुपए मीटर में, 500 रुपए मीटर में, 1,000, 1,200, 1,500, 2,000, यू कांट गेट इटालियन, सारा भीलवाड़ा लोकल इंडिया में बनता है। आप ये समझिए, आप 200 रुपए कपड़ा 2,000 में ले रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट इटली रिटर्न, और कोई मतलब नहीं है। मैंने बहुत स्टडी की इस फैब्रिक के बारे में, ऑल वूल या जिसको हम न्यू वूल बोलते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा सा अंतर है। न्यू वूल का मतलब ये है जो फर्स्ट टाइम वूल निकला है शीप से, ऑल वूल के अंदर आप रिसाइकल्ड वूल भी यूज करते हैं, होते दोनों प्योर वूल हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। उनको एक कपड़ा बहुत पसंद आता है, दिस इज 100% प्योर वूल। हाँ जी, हाँ जी, कपड़े का वेट ऑलमोस्ट 200 grams फॉर अ ट्राउजर, बिल्कुल लाइट वेट फैब्रिक हो जाता है, दिस इज व्हाट ऑल वूल इज। ठीक है, इसमें हल्का सा स्ट्रेच है, ऑल वूल प्लस स्ट्रेच लिखा होगा तो नेचुरल स्ट्रेच है, उसमें पॉलिएस्टर नहीं मिलाया हुआ, लाइक धागे को इस तरह से ही ड्राफ्ट किया हुआ है कि उसमें थोड़ी टेनासिटी, थोड़ा सा स्ट्रेच मिल जाए, स्ट्रेच हो जाए। आप अगर आप इसमें लिखा होगा नेचुरल स्ट्रेच, या स्ट्रेच लिखा है तो मतलब उसमें लाइक्रा नहीं है, उसमें नेचुरली उस टेनासिटी क्रिएट की है। कई कपड़ों में लाइक्रा मिक्स, स्पैंडेक्स मिक्स आता है जिसमें स्ट्रेच होता है, ये सब देखिए आप, इसमें भी प्योर वूल नेचुरल स्ट्रेच फैब्रिक, आप अगर देखेंगे व्यूअर्स को दिखाएंगे सीधा पैटर्न, विंडो पेन डिजाइन, सुपर काउंट्स की चीजें हैं, ऑल वूल नेचुरल स्ट्रेच फैब्रिक, बहुत कम लोग ओपन करते हैं। सुपर 70 काउंट्स 1,248, सुपर 90 काउंट्स 1,414, प्योर वूल 1,612 रुपए मीटर, 1,200 रुपए से स्टार्ट हो जाती है प्योर वूल में, ओनली 1200। हाँ जी, 1200 में प्योर वूल दे रहा हूँ सर, मैं कंपीट करता हूँ पूरे, मैं दिल्ली छोड़ो पूरे हिंदुस्तान में बोलता, आप चेक करिए प्राइस लीजिए मेरा, प्योर वूल 1200 रुपए मीटर में दे दूंगा मैं आपको। कई क्वालिटी 1600 रुपए, कई क्वालिटी 1900 तक जाती है, अलग अलग रेंज की क्वालिटीज है। ये सारा आप प्योर वूल देख रहे हैं, आप पैटर्न देखिए, फैब्रिक देखिए, नाउ सी दिस मेटालिक ग्रे हारिंग बोन। हाँ जी, हाँ जी, कपड़े का लस्टर बताता है कपड़ा क्या चीज है, 100 counts के ऊपर ड्राफ्ट हुआ हुआ कपड़ा होता है, एंड जब अब ये गिरता है कपड़ा तो उसकी फॉल बताता है। नाउ व्हाट आई कैन शो इन ऑल वूल ब्लैक, सो शौक से लोग पहनते हैं, शौक से कपड़ा देते हैं। कपड़े का वेट देखिए आप, 150 grams से 200 grams की ट्राउजर होती है, लाइट वेट ट्राउजर होती है। निश्चिंत होके पूछिए मेरे से, बिल्कुल मत सोचिए कि आपको पूछने में कुछ हिचकिचाहट है या कुछ है। आप मेरे को टेक्स्ट करिए, आपके पास मेरा नंबर फ्लैश होगा, आप मेरे को टेक्स्ट करिए मेरे मोबाइल नंबर पे, कॉल कर लीजिए, मैं तो रात को 11-11 बजे भी मैंने एंटरटेन किया है। अब मत करना, अब हमारी भी शादी वादी हो चुकी है, बट हाँ कोशिश करूंगा आप सबके मैं क्वेश्चंस को रिप्लाई करूं, आप सबको मैं आंसर्स दूं, बट इस तरह से हमारी क्वालिटीज चलती हैं। अब ये आपको शेल्फ दिखाना था जो मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आपके उस पे ये लॉन्च हो रहा है। मेरे को नहीं लगता किसी भी दुकानदार ने, मैंने मोर देन 50 वीडियोज देखी है, और किसी भी दुकानदार ने रेमंड के
130 से लेके 180 कलेक्शन नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप जितनी सर्च करेंगे और इस तरह से इस क्लैरिटी से नहीं दिखाया होगा। दिस इज सुपर 130 काउंट्स प्योर वूल कपड़ा बढ़िया, मतलब फील ही एक अलग आ गया सर। लग्जूरियस अल्टी लग्जूरियस क्वालिटीज हैं, रेमंड द लीनेज लाइन रॉयल एलीट एंड दिस इज हाउ सुपर 120 काउंट्स इज 130 काउंट्स आ गया। 130 काउंट्स 12,000 रुपए मीटर का कपड़ा है, इस टाइम पे 3200 रुपए मीटर बेच देता हूँ मैं, 3200। आप ये मत मानिए कि बहुत टाइम तक अवेलेबल रहेगा, बिल्कुल सही बात है कि मैं बहुत टाइम तक अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा इसको। फ्रेश में मेरे को कई लोग बोलते हैं सर डिजाइन कम है, अगर मेरे को डिजाइन बढ़ाने ही है तो मैं फ्रेश में ही खरीदूंगा, मतलब ऑन द रेगुलर प्राइस रेंज खरीदूंगा, ऑन द रेगुलर प्राइस रेंज करूंगा तो आपको जो मैं बेनिफिट दे रहा हूँ 70% वो नहीं दे पाऊंगा। इसमें वैरायटी काफी सारी मिलेगी, एब्सोल्युटली 130 काउंट्स बहुत, मैं बोल रहा हूँ लोग दिखाते ही नहीं है, लोगों ने देखा ही नहीं रेमंड का 130 काउंट्स, वो भी प्योर वूल। रेमंड एक लेक्सिकन क्वालिटी बनाता है जो 130 काउंट्स में 2200-2300 रुपए मीटर की क्वालिटी है, वो ब्लेंडेड है प्योर वूल 130 काउंट्स। सर देखे नहीं लोगों ने वाली चीजें, लेट्स गो टू द हायर शेल्फ नाउ। संतोष 140 का लॉयल निकालना पीछे से ब्लैक वाला, अभी आ गए जी मेरा फेवरेट एंड जिन लोगों ने लिया उनको मजा आया देखने में, ये सुपर 140 काउंट्स, दिस इज हाउ द सुपर 140 काउंट्स लुक लाइक। वो भी न्यू वूल जिसे कह सकते हैं, एब्सोल्युटली वर्जिन वूल है, फ्रेश वूल है, अगेन ऑल वूल होना चाहिए सर, फंडामेंटली कपड़ा ऑल वूल होना चाहिए। रिटेल प्राइस एट 18,000 रुपीज मीटर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लिस्ट ऑफ 2021, इस टाइम पे 22,000-23,000 रुपए मीटर का होना चाहिए, 4200 पर मीटर, 4200 रुपए मीटर में मैं आपको ये 140 काउंट्स का फैब्रिक दे दूंगा। एंड ये सर अब आप समझ पा रहे हैं, आपने तो बहुत वीडियोस बनाई हैं, ये रेमंड है, ये एक्स, ये मतलब अपूर्व ब्रांड नहीं है, ये ब्रांड नहीं है, इटालियन नहीं है, फलान नहीं है, ये रेमंड है। रेमंड लोग बोलते हैं कि रेमंड प्रीमियम नहीं बनाता, अरे आप प्रीमियम देखा ही नहीं है आपने रेमंड का, क्योंकि आपके पास जितने भी लोग रेमंड बेच रहे हैं वो 120-100 काउंट्स रखते ही नहीं है, वो मैक्सिमम 90 काउंट्स रखता है, उसके बाद इटालियन बेचना चालू कर देते हैं, उन्होंने देखा ही नहीं है रेमंड का प्रीमियम रेंज होती क्या, क्योंकि वो रेंज उनके आउट ऑफ बजट है। हाँ जी 150 काउंट्स, सो दीज आर लाइक सुपर 150s, ली ग्रैंड रेयर डिस्टिंक्शन पैटर्न्स, 60% मरीनो वूल, सुपर 150s, 40% फाइन पॉलिएस्टर थ्रू आउट द ईयर पहनिए। एक और बात मैं क्लियर कर दूं, कई व्यूअर्स कंफ्यूज रहते हैं, प्योर वूल के अगर आप ट्राउजर लेते हैं, एक मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, कई बहुत लोग पहनते हैं प्योर वूल, सलाह एक सिंपल सी है, प्योर वूल की ट्राउजर को एटलीस्ट 3-4 बार ड्राई क्लीन करवाइए। एक कपड़े की लाइफ, एक जो उसकी शीन है वो बढ़ जाती है उससे, उसके बाद आप इजी वॉश रिवाइव वो सब कर सकते हैं। चीजें अपने आप में ऐसी हैं जो आपको देख के मजा आएगा। अगेन जैसे मैंने आपको पहले 180 काउंट, अब लोग बोलेंगे एक थान लिया होगा पूर्व ऐसे ही होगा, 180 काउंट का सर, 180 काउंट वॉल क्रेस्ट, बिल्कुल सर। तो मतलब कि सारी चीजें मिलेंगी, क्वांटिटी में मिलेंगी, बेसिकली आपको क्वांटिटी मिलेगी, वैरायटी मिलेगी सर, ऐसा नहीं वैरायटी में कुछ कमी है, वैरायटी पूरा, आप तो आपका मन दोनों का मुलाकात जैसे फर्स्ट टाइम हो रही है, पूरे थान, मैं आपको रैंडम एकदम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पूरे दुकान में कोई भी एक थान खींच के देखिए, अगर वो रेमंड के बिना निकल गया तो मैं वीडियोस बनाना में काम करना छोड़ दूंगा, ऐसा वाला सिस्टम है। बिल्कुल, मतलब कि हर 100% जेन्युइन, 100% जेन्युइन रेमंड। कई लोग बोल देते हैं, कई लोगों को लगता है कि खाली वही ऑथराइज्ड शोरूम है इस मार्केट में, क्या होता है कई लोगों को ना आइडिया नहीं होता, दे हैव, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर वेरी गुड सेलर्स, दे आर वेरी गुड डीलर्स, दे आर वेरी गुड पीपल ऑल टुगेदर, बट फॉल्स अलार्मिंग जिसको बोलते हैं, आप कई बार वीडियोस के अंदर कुछ चीजें झूठ बोल जाते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ जी, हम 85 से डीलर हैं, जब उनके शायद फोर फादर्स ने काम भी करना चालू नहीं किया था कपड़े का, हम तब से डील, हम सन 50 से कपड़े का काम कर रहे हैं, 1950 से सर, मैं फोर्थ जनरेशन में, पहले बताया फोर्थ फिफ्थ जनरेशनल मैं बंदा हूं जो कपड़े के काम के अंदर है। लोग बोलते हैं इतना कैसे आइडिया लग जाता है कपड़े के बारे में, हम बोलते हैं हम पैदा ही कपड़े के अंदर हुए, वैसा वाला है हमारे साथ, इसमें ही फर्क है, ये अब वेलवेट के ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी प्रिंट हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड प्रिंट, सो व्हेन यू सी दिस, दिस इज अ प्रिंट, ठीक है। एंड ये मैं सब कुछ आपको, अगेन ये कभी कोई सोच रहा हो कि अपूर्व कुछ भी दिखा रहा होगा, ये अगेन रेमंड्स है, रेमंड ही होने वाला है, मतलब मैं अगर लोकल भेजने जा रहा हूं तो लोकल में बस हम चाय चौक बैठे हैं सर, मैं पूरी दुनिया दिखा सकता हूँ उनको लोकल के अंदर, बट मेरे को रेमंड में स्पेसिफिकली बेचना है। एक दो ब्रांड और जॉर्जियो गिलानी वगैरह यूज करता हूँ, बट जॉर्जियो गिलानी भी मैं उस रेंज में देता हूँ आपको जो कोई सोच नहीं सकता, 1,000 रुपए मीटर में, 900 रुपए मीटर में जॉर्जियो गिलानी देता हूँ, बट
खाली वो मैं उनके लिए जिनको रिक्वायरमेंट हो, मैं रेमंड के अलावा कुछ नहीं बेचता। आई वाज शोइंग द वैरायटी ऑफ जैकार्ड्स और थोड़ा बहुत प्रिंट्स के अंदर, वही वेलवेट में आपका एक ये जैकार्ड आएगा। ठीक है जी, मतलब भैया चीजें आपको ऐसी दिखेंगी जो आपने अभी शायद मार्केट में नहीं देखी, और ये रेमंड्स की चीजें हैं। ये मैं आपको अगेन लोकल नहीं दिखा रहा हूँ, ये सारा रेमंड्स का फैब्रिक देख रहे हैं। बिल्कुल थिक फैब्रिक्स फॉर ब्लेजर्स फॉर जैकेट्स। यूजुअली जैकार्ड्स के अंदर खाली एक ब्लेजर बनता है, अगेन सेम ट्वीट वाला फंडा है, खाली ब्लेजर और आप जैकेट बनाएंगे, इसमें ट्राउजर्स नहीं बनती है। तो इसके अंदर आप जैकार्ड्स के अंदर फॉर वेडिंग पर्पस एंड स्पेसिफिकली फॉर वेडिंग पर्पस आप ज्यादा पहनते हैं। हम थोड़ा सा टुवर्ड्स फ्रॉम वुलन हम चलते हैं टुवर्ड्स लिनन, तो लिनन की रेंज पे आते हैं हल्का सा। लिनन का धागा और कॉटन का धागा बिल्कुल अलग है, मैंने पहले भी एक दो वीडियो में बहुत क्लियरली बताया है। बोथ प्लांट्स आर डिफरेंट, दोनों धागे दोनों पौधे अलग हैं। 100% लिनन ये आता है रेमंड का, 100% लिनन एंड सुपर फाइन धागा होता है। समर के लिए तो ये बेस्ट धागा है। अगेन लिनन के अंदर जैकार्ड्स फॉर ब्लेजर फॉर सफारी ये चीजें काफी आती हैं। लिनन जैकार्ड तो ये जैकार्ड्स आएंगे, प्लेन्स आएंगे, हेरिंगबोन आएंगे, आजकल बहुत ही पॉपुलर कलर है। हाँ जी, द ब्राइट ऑरेंज कलर फॉर जैकेट्स, बहुत सुंदर कलर रहता है लिनन वर्ल्ड। ये सारे आप देखेंगे तो प्योर लिनन फैब्रिक्स। अगर अब कई लोग बोलते हैं कि यार पूछ कलर्स कम है, कलर्स कहाँ से कम है, अब ये आप कलर्स देखते जाइए। रेड ब्लैक दो इसका, लिनन का ब्लैक मतलब कलर्स जो मोस्ट फ्रेंडली जो आजकल के ट्रेंडी कलर्स हैं। हाँ जी, मतलब लिनन के अंदर तो इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि लिनन आप समझो कि थोड़ा बहुत समर शेड के ऊपर या फिर आफ्टरनून वेयर में पहना जाता है। पेस्टल शेड्स, थोड़े बहुत ब्राइट शेड्स लिनन में ज्यादा चलते हैं। रस्ट कलर एंड देन यू हैव टबैको कलर, तो कलर्स काफी ब्यूटिफुल है, कलर्स काफी रिच है इसके अंदर। टबैको कलर प्योर लिनन सबसे ज्यादा ऑब्वियसली सेलिंग रहेगा ही, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट तो कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ब्लैक पहला धागा प्योर लिनन, दूसरा धागा प्योर कॉटन। चीनोस जिसको हम बोलते हैं, या कलर प्लस के आप रेडीमेड ट्राउजर्स पहनते हैं जिसको हम चीनोस बोलते हैं, वो इस कपड़े में बनती हैं। दीज आर 100% कॉटन, कॉटन लस्टर, कॉटन कूल एज, ऐसे 10-12 नाम से आते हैं ये फैब्रिक। 100% कॉटन है। लिनन का प्राइस मेरे यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 950 रुपए मीटर से, इट गोज अप टू 1200 पर मीटर। प्योर कॉटन मेरे यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 738 रुपए मीटर से, इट गोज अप टू 950 पर मीटर। 738 से 950 रुपए मीटर तक की चीजें आती हैं, एंड दीज आर प्योर कॉटन। एंड आप इसके अंदर भी अगेन देखेंगे वेराइटी, वेराइटी भरपूर। आप पैटर्न देखिए लग्जूरियस, आप एक बार दिखाइए, सीवो कलेक्शन है ये। जी जी जी, प्योर लग्जूरियस कॉटन विथ स्ट्रेच, 100% कॉटन। तो सर ये जो वैरायटी है ये अपने आप में बहुत ही सॉलिड वैरायटी है। अब आपको एक मैं मजेदार चीज दिखाऊंगा जी। ये रेमंड, लोग बोलते हैं रेमंड क्या करता है, रेमंड क्या चीजें बनाता है, रेमंड इंटरनेशनल मार्केट को बहुत कैप्चर करता है, बहुत ज्यादा कैप्चर करता है। ये पूरा प्रोडक्ट सिंगापुर मार्केट के लिए बना था विद 80% वूल एंड 20% पेपर। हाँ जी, पेपर मतलब ये पेपर हमारा जो हम पेपर यूज करते हैं ऑलमोस्ट वैसा ही है, ये वुड पल्प से बना है। पेपर कहाँ से आता है, वुड पल्प से आता है। सिमिलरली इसका जो 20% धागा है वुड पल्प से बना हुआ है, 80% वूल। थ्रू आउट द ईयर पहनने के लिए आप वेट देखिए कपड़े का, कपड़े क्वालिटी का नाम कूल वूल है। एंड होल्ड द फैब्रिक, वेटलेस फैब्रिक है बिकॉज ऑफ द पेपर, इसको एक ठंडा फील मिल गया है। एंड वूल है फॉर द क्रीज। सो इसके अंदर अगेन वेराइटी आपको बहुत सारी मिलेगी। इसके अंदर यू कैन गो विद लाइट शेड, समरी शेड, पेस्टल शेड, तो ये सारे कूल वूल के ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, नाउ यू गेट विद लिनन वूल टुगेदर अगेन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस सीजन में आप समझो दिसंबर मिड तक, जिसके बाद आपको प्योर वूल पहनना पड़ता है, इस टाइम पे ब्लेजर्स के लिए लिनन और वूल बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। एक तो आपको ठंडक मिल रही है लिनन की, स्टाइल मिल रहा है लिनन का, और जो वार्म्थ है वो मिल रही है वूल की। इस टाइप की क्वालिटी आती है जो फाइन फैब्रिक फ्रॉम वूल एंड लिनन ब्लेंडेड है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को नहीं लगता सर आपने इतनी वीडियोस बनाई है अपने पूरे स्पैन के अंदर, या इतनी सारी वीडियोस आप भी देखते होंगे जी। रेमंड में कोई इतने एलैबोरेटली आपको ये चीजें बताता है, डिटेल वीडियोस नहीं, क्योंकि फंडामेंटली वैरायटी है ही नहीं, वो लोगों ने देखा ही नहीं है कि वूल और लिनन भी ब्लेंड होता है क्या, वूल और पेपर भी ब्लेंड होता है क्या, वूल और कश्मीर भी ब्लेंड होता है क्या, तो वो ब्लेंड का उनको आइडिया ही नहीं है। वूल लिनन में आपको बहुत वैरायटी मिलेगी, अगेन कूल वूल के अंदर आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, एंड वूल कश्मीर में भी 140 काउंट्स के अंदर मेरे पास माइक्रोलाइट है, उसमें भी आपको मैं चीजें दे पाऊंगा। फ्रॉम द टॉप
फ्रॉम द टॉप कैटेगरी हम थोड़ा सा आते हैं टूवर्ड्स मीडियम एंड रेगुलर कैटेगरीज। हम अभी तक टॉप पे जा चुके हैं, हम अब आते हैं 45-55 पे। मैं जितनी पुरानी वीडियोस हैं उनमें बहुत पॉपुलरली बताते हुए रेमंड का बहुत ही नंबर ही सिक्का जिसको हम बोलते हैं 45-55, जैसे सफायर है, रेमंड की सफायर आज से 20 साल पहले मास्टर जी हमारे बता रहे हैं, हमारे पिताजी के जमाने में सबने रेमंड सफायर ही पहनी। वूल का मतलब पहले लोगों के लिए रेमंड सफायर हुआ करता था, आज के जमाने में सबसे बेसिक क्वालिटी ऑफ वूल है क्योंकि सबसे मोटा कपड़ा उसका बैठता है। बट मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो फाइन अगेन वेरी पॉपुलर और पुराने टाइम से चलती आ रही क्वालिटी है 45-55। दिस इज 45% मरीनो वूल, 55% पॉलिएस्टर। स्टार्ट फ्रॉम 957 पर मीटर, ऑलमोस्ट 1200 रुपए मीटर तक जाती है 45-55 की रेंज। मैं आपको 45-55 पूरी मैं दिल्ली का क्लेम कर रहा हूँ, 957 रुपए से लेकर 1200 रुपए में आपको कोई 45-55 नहीं दे रहा। एंड वैरायटी डिजाइंस गिफ्टिंग के लिए, व्हेन यू टॉक अबाउट गर्म सूट देना है जी हमारे को सामने या हमें गर्म सूट लेना है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं आती है, इससे बढ़िया कोई चीज पार्टनर नहीं। बजट रेंज के हिसाब से बजट भी अच्छा है ना सर, आप समझो ना 2800 रुपए में 2900 में सूट मिल जाता है हमारे को। आप लोकल कपड़ा ले आते हो 2800-2900 का जिसके अंदर कोई मतलब नहीं है, जो किसी का कोई नाम नहीं है, इसमें आपको प्रॉपरली एक वूल का ब्लेंड मिल रहा है जिसमें आपको 2900 रुपए में, 3000 रुपए में, 4000-3200 रुपए में प्रॉपर आपको वूलन क्वालिटीज मिल रही है। इनफैक्ट मैं आपको स्टार्टिंग रेंज भी दिखाऊंगा अपनी वूल की, लिस्टेड क्वालिटी है डॉल्स फिटर। थोड़ा सा आपको पहले मैं व्यूअर्स को बता दूं कि यहां से वूल की हमारी रेंज स्टार्ट होती है रेमंड में। दिस इज 75% पॉलिएस्टर, 25% मरीनो वूल, स्टार्टिंग रेंज ऑफ रेमंड डॉल्स फिटर। आई स्टार्ट सेलिंग दिस फ्रॉम 700 रुपए मीटर, 700 मीटर, 2100 रुपए में आपको गर्म सूट। मैं आपको फिर से बोलता हूँ 2100 रुपए में गर्म सूट दे दूंगा मैं रेमंड्स का आपको, और पैटर्न्स बेहिसाब मिल जाएंगे, डिजाइन बेहिसाब मिलेंगे इसके अंदर, बिल्कुल क्वालिटी डिजाइन की तो खैर वेरिएशन काफी सारी मिलेगी। अच्छा हमारे को ये क्लियर है ना कि अगर हम रेमंड कपड़ा ले रहे हैं थोड़ा सा फाइन तो बैठते ही रेमंड कपड़ा, तो अदरवाइज आपको गिफ्टिंग में भी जिसको दे रहे हो उसकी स्टिचिंग बर्बाद नहीं जा रही है। कई लोग बोलते हैं स्टिचिंग महंगी है कपड़े से, बिल्कुल सही बात है, लॉजिक है कि आपको अच्छा कपड़ा देना ही चाहिए क्योंकि स्टिचिंग आज एक्सपेंसिव है। बट जब ये सूट्स क्राफ्ट होके आते हैं, जब ये सूट पूरे बन के आते हैं तो शानदार सूट्स बनते हैं ये वाले, मतलब कि इन कपड़ों में एक अलग जान है, एक अलग वैरायटी है, एक अलग चीजें हैं इसके अंदर। लेट्स गो टुवर्ड्स नाउ फ्रॉम द वुलन टुवर्ड्स टीआर। टीआर एक बहुत ही पॉपुलर चीज बन गई है, बट मैं थोड़ा सा मिथ क्लियर कर दूं लोगों का। टीआर जो लोकल आप टीआर ले रहे हैं, टेरी रियोन जिसको हम बोलते हैं, रेमंड का टेरी रियोन का मतलब टेरी रियोन है, टेरी मतलब पॉलिएस्टर, रियोन मतलब आर से रियोन, ठंडा कपड़ा है। विस्कोस और रियोन आर अल्टरनेटिव्स, अगर आप टेक्निकली समझना चाहेंगे विस्कोस और रियोन दोनों बिल्कुल सेम प्रोसेस से बनता है, दोनों मैनमेड नेचुरल फाइबर्स हैं, पॉलिएस्टर है दोनों के अंदर। आप जो लोकल टीआर देख रहे हैं जिसके अंदर कोई सैल्वेज नहीं है, कोई किनारे पे निशान नहीं है, कोई नाम नहीं है या कोई भी नाम लिखा है, वो 350-400 रुपए में आराम से आ जाता है। रेमंड के जो टीआरस है, जो रेमंड का आज आप इसका फैब्रिक का जो फॉल है, जो इसका जो फिनिश है, अगेन व्हाई टू टेक रेमंड्स इन टीआर, लोकल क्यों नहीं लेना चाहिए सर? क्रीज, कपड़े की जो पैंट की क्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फील द लस्टर इन द फैब्रिक, आपने खूब लोकल फैब्रिक्स वगैरह देखे होंगे, बट ये लस्टर देखिए, ये मेरा नंबर आता है 957 रुपए मीटर की क्वालिटी है, टीआर यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 957, 1028, 1100, 1200 रुपए तक टीआर जाता है, एंड अच्छे काउंट की चीज है इसके अंदर, अच्छी फॉल की चीज है, काउंट इसमें नहीं आएगा, जस्ट टू करेक्टिफाई माई सेल्फ, इसमें काउंट्स का कोई मतलब नहीं है टीआर के अंदर। एंड ये कपड़े आप देखिए, शानदार चीजें आती हैं इसके अंदर, बहुत शानदार, इसमें पूरा पूरा पैटर्न है, पूरे कलर्स हैं इसके। चेक्स, चेक्स निकालना, रेमंड वाले चेक्स दो, आप पैटर्न्स देखिए, पैटर्न्स देखिए, बिल्कुल तो इसके अंदर आप डिजाइन पैटर्न्स अगेन जकार्ड्स प्रिंट, कई लोग थोड़ा सा गोवन प्रिंट या डिफरेंट पहनना चाहते हैं उनके लिए, मतलब कार प्रिंट्स, एंड मतलब कोशिश करता हूँ ऑनेस्टली अपनी अपनी ऑडियंस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए नई चीजें लेके आऊं। नाउ लेट्स गो टू वर्ड्स ऑफिशियल कलेक्शन ऑफ रेमंड्स, बिल्कुल ऑफिशियल सोबर चेक्स, क्लासिक चेक्स जैसे आपको एक ऑफिस में पहनने होते हैं, अगेन वही 550-600 की रेंज में रहते हैं, 550 पर मीटर, अप्रोक्सीमेटली 880 का शर्ट। आप पैटर्न्स देखिए इसके, बिल्कुल ऑफिशियल डिजाइन्स, होल्ड दिस फैब्रिक,
ये तो चीजें ऐसी हैं कि सर जो ऑफिशियल बिल्कुल ऑफिशियल सर, मतलब आप आराम से अपने ऑफिस की वेयरिंग के लिए, आप इमेजिन करिए आप रेडीमेड शर्ट लेते हैं एलन सोली से, वैन ह्यूजेन से, कहीं से भी आप रेडीमेड एक शर्ट लेते हैं, आप 1500-2000 के बीच में एक शर्ट लेके आते हैं जिसकी क्वालिटी आप कपड़ा लेके बनवाने के बाद 1200-1300 की पड़ रही है, तो क्वालिटी तो आप मैच नहीं कर पाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जोडिया या विल्स लाइफस्टाइल की जो ऊंची रेंज की शर्ट्स आती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एलन सोली, वैन ह्यूजेन, इन सब रेंज की शर्टें जो रेगुलर शर्टें आपको 2000 के अंदर पड़ती हैं और जो इस क्वालिटी की नहीं मिल सकती हैं, ये क्वालिटी की शर्ट्स आपको मिल जाती हैं इसके अंदर। आप वैरायटी देखते जाइए, सी सी दिस 100% प्रीमियम कॉटन शर्ट्स। इसके बाद एक हमारी बहुत सी कलेक्शन आती है थोड़ा पार्टी वेयर या थोड़ा सा अलग डिफरेंट चीजों के लिए, विच इज प्रिंटेड कॉटन शर्ट्स, प्रिंट्स, मतलब सोबर प्रिंट्स भी मिल जाएंगे, क्लासिक प्रिंट्स, देयर आर फ्यू सोबर प्रिंट्स। अब पैटर्न्स देखिए, अब आजकल थोड़ा सा भाई वेडिंग सीजन है तो थोड़ा सा कुर्ते वगैरह के लिए प्रिंट्स, सो थोड़ा डिफरेंट प्रिंट्स फॉर फॉर कुर्तास। सी दिस पार्ट, जो चीजें आपने नहीं देखी हैं वो चीजें दिखाऊंगा अभी तक, डिफरेंट चीजें, इफ यू वांट टू गो सोबर, सोबर पैटर्न्स, पैटर्न्स देखते जाइए आप, वैरायटी इतनी कि आप, मैं जैसे बोलता हूँ अपने कई व्यूअर्स को भी है, अपने कोई कस्टमर्स को, कि आप सुबह से लेकर शाम तक वैरायटी ही देखते रहेंगे, वो वैरायटी पूरी नहीं हो पाती है, मतलब कलेक्शंस, कलेक्शन आपको पूरी मिलेगी। रेमंड जकार्ड, आप एक बारी ये देखिए, 550 पर मीटर, 880 का प्रिंट का कलेक्शन हमारा 720 से लेके 720 की रेंज के अंदर आता है, 640 में एक शर्ट आ जाती है, हर जने को 44 चेस्ट साइज डबल एक्सएल साइज तक एक 60 कपड़ा चाहिए होता है। आप हम जैसे हैं, हमारी 6 फुट हाइट तक आपको एक 60 कपड़ा चाहिए, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है, 160 में सबकी शर्ट बन जाती है, मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है। रेमंड का पहले क्लियर करना है लोगों को कि ये ब्लेंडेड कॉटन आता है, ये प्योर कॉटन नहीं है, ठीक है। रेमंड का ब्लेंडेड कॉटन 160-180 रुपीस मीटर, 400 रुपए में से शर्ट ले जाइए आप, रेमंड की सैल्वेज रिटर्न, एंड इसमें ऐसा नहीं कि अगेन एक, आप वैरायटी देखिए, इसमें भी वैरायटी देखिए, ये सारे। और अच्छा, कभी लोग ये ना बोले कि अपूर्व भी दिखाना बंद कर दिया, मैं सब कुछ दिखाऊंगा इसके अंदर कि लिखा हुआ है रेमंड, सब पे रेमंड लिखा होगा, लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, तो स्टार्टिंग रेंज ये है, बट ये ब्लेंडेड कॉटन है, ये कॉटन रिच है, ये 100% कॉटन नहीं है। 100% कॉटन 560 की रेंज से स्टार्ट हो जाती है, इट गोज अप टू 880, 990 एंड 1200 में मेरी रेंज खत्म हो जाती है। मेरे को आज रिसेंटली, अभी एग्जांपल, अभी मेरे को फोन आया कि मेरे को और महंगी चाहिए, महंगी तो रिटेल में हो ही जाएगी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 1 point मतलब डेढ़ गुना या दो गुना तो प्राइस है ही है उनका, एंड दो गुना से भी ज्यादा कई बार चार्ज कर लेते हैं, तो रिटेल में महंगी है, रिटेल में वो प्रीमियम भी लगता है देखने में, क्योंकि एकदम शोरूम वाली फील है, आपके ऊपर एसी लगा है, सारी चीजें हैं, तो वो फर्क सर एक होलसेल शॉप पे आके परचेसिंग करने का और एक रिटेल शोरूम पे। इवेंचुअली जो कस्टमर को एक चाय मिल रही है, जो पानी की बोतल मिल रही है, आप समझिए पैसा तो पॉकेट कस्टमर से ही निकलता है। और ऑलमोस्ट 20 कलर्स, कपड़ा पकड़िए, 60x60 गीजा, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटीज विच यू गेट, अगेन 450 से लेकर 550-650 की रेंज की चीजें आती हैं, ये पूरा इजिप्शियन गीजा का कलेक्शन है। देन यू गो विद सोबर स्ट्राइप्स, देन यू गो विद प्लेन्स, एंड देन यू गो विद चेक्स। यहाँ से रेमंड की रेंज स्टार्ट हो जाती है प्योर कॉटन की, 560 रुपीज की शर्ट पड़ती है पूरी कंप्लीट शर्ट की, हम जहां तक बात करेंगे, मिल रही है अपने लोकल टाउन में, मिल रही है, ले लीजिए, बहुत एफर्ट मत डालिए मेरे पास आने का, क्योंकि उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा आपको मार्जिन नहीं दे पाऊंगा, 30-32% के अराउंड में लेस देता हूँ। द कॉम्बो पैक स्टार्ट फ्रॉम 655 वाला हम 458 से स्टार्ट कर देते हैं, 458 रुपए जीएसटी एक्स्ट्रा रहती है, एप्लीकेबल रहती है। 800 वाला हम दे देते हैं 550 का, ये सफारी लेंथ आती है रेमंड की, 775 में सफारी लेंथ आ जाती है हमारी, ठीक है। तो दीज ऑल आर, मैं बहुत ज्यादा एलैबोरेट इसलिए नहीं कर रहा कि काफी वीडियोस में लोग यही दिखा रहे होते हैं, और आप समझिए जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, 30% से 32% आपको जहां से भी मिलता हो प्लीज टेक इट। मेरे को स्पेशली किसी ने रोहिणी से फोन किया था, किसी ने मेरे को द्वारका गुड़गांव लोग फोन करते हैं कि आप स्पेशली मत आओ, जैसा 25% ऑफ मिल रहा है, मतलब 5% बचाने के लिए यहां तक क्यों आना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा राइट अप्रोच, अगर आपका 500 रुपए का किराया लग रहा है, आपको 10 पीस लेने हैं, तो आपके वहीं के वहीं न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो देयर इज नो पॉइंट टेकिंग दैट फ्रॉम हियर।
So these are all collections for the packed item. Let's go towards my hot, the highest seller. We're here towards for the, we go towards the suits. Mm-hmm. These are the stitching for suits. This is how a suit looks like. Okay. This is here for trial. ट्रायल होने के बाद इसके अंदर पैचिंग होती है, रेमंड के हमारे लेबल्स वगैरह लगते हैं, कवर्स में जाता है, तो ये सब हमारा एक सूट का है एंड कंप्लीट ओवरऑल सूट. सो द शर्ट थ्री पी सूट बना हुआ है ये. अब जैकेट्स के डिजाइन देखिए, मेरे कई इतनी अच्छी डिमांड आई सर इसकी. कलर्स, सो दिस इज ऑल, मेरे लोग बोलते हैं कि अपूर्व आप ऐसे कैसे रेमंड का कपड़ा, मैंने आपको दिखाया था प्योर वूल का कपड़ा, उसी कपड़े की जैकेट बना रखी है. दिस इज 42 का पूरा कॉलम है. एंड नंबर ऑफ डिजाइन मिलेंगे आपको. रोज स्टॉक आता है, रोज स्टॉक अपडेट होता है, रोज स्टॉक सेल होता है, तो स्टॉक्स चलते रहते हैं. स्टिचिंग शेरवानी, मैं स्टिचिंग सॉल्यूशन आ रहा है सर इस टाइम पे. मास्टर जी अब परमानेंटली हम रेमंड से हमारे पास आ गए हैं. रेमंड के मास्टर थे हमारे पास परमानेंटली, ये दो तीन और स्टोर पे रेमंड से करते हैं, एक्सक्लूसिव रेमंड करते हैं इस क्लॉथ मार्केट में या चांदनी चौक में. खाली रेमंड का मेरे पास करते हैं और एक दो रेमंड के शोरूम और वहां पे भी करते हैं. ऐसा नहीं खाली मेरे पास एक्सक्लूसिव करते हैं. ऑनेस्टली मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आज भी से. हाँ जी, तो खाली मेरे पास नहीं करते, और भी रेमंड के शोरूम करते. बट दिस इज हाउ शेरवानीज आर क्राफ्टेड. सो व्हेन यू चेक ऑल द शेरवानीज, you talk about bandgala blazer. So bandgala blazer, and this is how the stitching looks like. Okay. बहुत ही पुराने मोहसिन मास्टर usually यहाँ पे रहते हैं, जो उनके उनके बाद जो उनके अबू हैं, जो उनके सीनियर हैं, वो कभी कभार आते रहते हैं, विजिटिंग रहते हैं. बट आज आई टोल्ड यू कि इनके रोटेशन रहती है. मेरे दुकान पे जब आएंगे आपको बहुत मेरा स्टाफ बहुत क्लियरली दिखेगा. संतोष हैं जो हमारे बहुत पुराने स्टाफ के, ऑलमोस्ट मेरे आने से पहले भी स्टाफ के हैं. देन आई हैव टू गाइज, फाजिल एंड अकील, ये दोनों भी रहते हैं. और इनिशियली आप मेरे डैड से मिल ही चुके हैं, जो अगर मैं नहीं होऊंगा तो वो होंगे, अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो मैं अवेलेबल होंगे. यूजुअली हम दोनों की अवेलेबिलिटी रहती है. हमारे पास कॉर्पोरेट्स का क्लाइंट काफी है, पुराने मेरे पास गुड़गांव से स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में, तो नोएडा गुड़गांव से जो कॉर्पोरेट बेल्ट है वो बहुत मेरे से खुश होकर बात करती है या आती है. मैं कॉर्पोरेट में रह चुका हूँ बहुत साल, मैंने 8-10 साल कॉर्पोरेट्स के अंदर जॉब करी है बिफोर कमिंग इनटू दैट बिजनेस. सो हमारा ओवरऑल एक आपको वैरायटी, एक चॉइसेस बहुत ही फाइन, बहुत ही क्लासिक मिलेंगी. आप तो सर बहुत जगहों पे जाते रहते हैं, आपके लिए एक अलग एक्सपीरियंस शायद रहा होगा. आप भी सोच रहे हो खाली रेमंड की बात ही क्यों कर रहा है, बट मैं ये बिलीव करता हूँ सर कि रेमंड में वो ट्रस्ट बिल्डिंग है, वो ट्रस्ट फैक्टर है कि आपको रेमंड के लिए वाउच करना चाहिए. देन एनी अदर ब्रांड, मेरे को कई लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कुछ छोटे ब्रांड्स, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल ओसीएम, आई एम नॉट सेइंग दे छोटे, बट वॉल्यूम वाइज रेमंड 70% वॉल्यूम कंट्रोल करता है मार्केट, 70% फैब्रिक वॉल्यूम कंट्रोल करता है मेंस मार्केटिंग, मेंस क्लोथिंग के अंदर. तो और कोई ब्रांड कंपेयर नहीं कर पाते उससे, क्योंकि उनकी जो वॉल्यूम है वो 1000 करोड़ में जा रही होती है, अदर ब्रांड्स की 100 करोड़ भी नहीं होती है. तो दैट्स व्हाई द रेमंड इज सच अ बिग ब्रांड एंड द क्वालिटी.